चंद्रिका की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता शंकर ने देवी से शादी कर ली। देवी चंद्रिका की बड़े प्यार से देखभाल करती थी, लेकिन चंद्रिका की बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत उसे पसंद नहीं थी। भोजन तैयार हुआ नहीं कि चंद्रिका सारा खाना चट कर जाती थी। ऐसे ही एक दिन, चंद्रिका मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू हम तीनों के लिए बनाया खाना अकेले खत्म कर देती है, ये पागलों की तरह खाने की आदत तुझे लगी कैसे? अगर तू रोज इतना ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, ऐसा मत किया करना। पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख लगती है, मैं नहीं खाऊं तो मेरे पेट में जलन होने लगती है। कुछ नहीं, बस तेरी आदत है, अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो देखना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? उसके ऐसे कहने पर चंद्रिका रोने लगी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। कई बार टोकने के बाद भी वो अपनी आदत पर काबू नहीं पा पा रही थी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन देवी की माँ और उसकी बहन उसके घर आए। उन्हें देखकर चंद्रिका भी बड़ी खुश हुई और दौड़कर उनके पास गई। वो लोग भी चंद्रिका से बड़े प्यार से मिले। देवी ने भी उनका स्वागत किया और सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने में लग गई। भोजन तैयार हो जाने के बाद वो कुछ देर अपनी माँ के पास बैठ गई और बातें करने लगी। कुछ देर बाद, चलो माँ अब खाना खाएं। देवी रसोई में गई तो देखा कि चंद्रिका वहाँ थी। वो समझ गई। नहीं 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 नहीं, नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी, मुझे मत मारो माँ, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। चंद्रिका की आवाज सुनकर देवी की माँ और बहन रसोई की ओर दौड़े। क्या हुआ, क्यों पीट रही है ऐसे उसे? देखो ना, इसने खाने के सारे बर्तन खाली कर दिए, इसने 5 लोगों के लिए बना खाना अकेले खा लिया। मैं इसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गई हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? देवी चंद्रिका को पीटती रही और देवी की माँ उसको रोकने लगी। फिर उसने चंद्रिका को वहाँ से जाने के लिए कहा। चंद्रिका रोते हुए वहाँ से चली गई। वो एक छोटी लड़की है, हो सकता है उसने मासूमियत में ऐसा किया हो। दीदी, एक अकेला जवान इंसान भी इतना नहीं खा सकता, जरूर चंद्रिका में कुछ कमी है। इतना खाना खाने के बाद भी देखो उसका वजन नहीं बढ़ रहा, उसे अस्पताल लेकर जाओ, उसकी जांच कराओ। बहन के ऐसा कहने पर बेहद परेशान हो चुकी देवी बोली, अरे उसे कोई बीमारी बीमारी नहीं, तीनों समय भरपेट खाती है और सोती है, दूसरा कोई काम नहीं। फिर देवी ने चंद्रिका को खूब डांट लगाई, लेकिन वो चुप रही। फिर देवी ने कहा कि वो उनके लिए फिर से खाना बनाएगी, लेकिन देवी की माँ और बहन ने मना कर दिया और चले गए। उनके ऐसे बिना खाए चले जाने से देवी को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद चंद्रिका वहाँ आई। देख, तेरी वजह से तेरी नानी और मौसी ऐसी ही चली गई, ये तरीका सही नहीं है, अब मैं तुझे एक पूरे दिन खाना नहीं देने वाली, तब तुझे पता चलेगा। उसने चंद्रिका को एक कमरे में बांध कर बंद कर दिया। तभी उसका पति खेत से लौट आया। देवी चंद्रिका कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो रोने लगी और उसने उसे सब कुछ बताया कि क्या हुआ। उसे इस तरह बिना खाने पीने के रखना अच्छा नहीं होगा ना, खोल दो उसे। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा ये सोचकर कर रही हूँ कि क्या पता इस तरह चंद्रिका की। ठीक है, तुम शाम को उसके कमरे का दरवाजा खोल देना। देवी ने हाँ कहा और शाम को उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसने देखा कि चंद्रिका बिना किसी हरकत के चुपचाप खड़ी है। देवी डर गई और जोर से चीखी, सुनो जी, चंद्रिका मेरे उठाने पर उठ नहीं रही। देवी का पति चिंता में दौड़ता हुआ आया और चंद्रिका को गोदी में उठाकर अस्पताल ले गया। उसने चंद्रिका को अस्पताल में भर्ती कर दिया और डॉक्टर को सारी बात बताई। फिर डॉक्टर ने उसकी अच्छी तरह से जांच की। वो दिन ऐसे ही बीत गया। फिर अगले दिन देवी और उसका पति बड़ी फिक्र में डॉक्टर के पास रिपोर्ट मांगने आए। देखिए, चंद्रिका को एक अजीब सी बीमारी है, वो बहुत भूखी है और ऐसा कुछ और सालों तक चलेगा, उसे खाना खिलाते रहने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, जब भी उसे भूख लगे उसे खाना दीजिए, बस यही उसका इलाज है, वो खुद ब खुद कुछ सालों में ठीक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। देवी और उसके पति को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने इसके बारे में और बात की। इस तरह की बीमारी हमें बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है,
ये उनकी उम्र के 20 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इससे आपको और कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर की सलाह सुनकर वो लोग चंद्रिका को वापस अपने घर ले जाते हैं। अब जब भी चंद्रिका को भूख लगती, वे उसे भोजन, फल या जो कुछ भी उपलब्ध होता देते रहते। चंद्रिका सब कुछ फटाफट खत्म कर देती। हे भगवान, कब और कैसे खत्म होगी इसकी बीमारी? वो लोग ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते और चंद्रिका की इस अजीबोगरीब बीमारी के कारण चिंता में रहते। सबको लगता था कि चंद्रिका खाने की बड़ी शौकीन है और पेटू है, लेकिन जो लोग इस बीमारी के बारे में जानते थे उन्हें उस पर दया आती थी। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग उस पर फप्तियां कसते रहते थे। बस इसी तरह खूब खाकर और लोगों के ताने सुन सुनकर चंद्रिका की जिंदगी बीत रही थी। दुर्भाग्यवश जब चंद्रिका की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता कृष्णा ने राधा से शादी कर ली। नवविवाहित जोड़ा अपने घर में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा था, तभी कृष्णा की माँ सरिता बोली, एक मिनट रुको, मैं बहू की नजर उतार दूं। उसने रस्म पूरी की और बहू को पहले अपना दाहिना पैर घर के अंदर रखने के लिए कहा। राधा ने ऐसा किया और घर में प्रवेश कर लिया। तभी चंद्रिका उसके पास आई। माँ? वो राधा के करीब आ गई। राधा हल्का सा मुस्कुराकर दूसरी ओर चली गई, जैसे वो चंद्रिका से बात नहीं करना चाहती हो। राधा का ये व्यवहार चंद्रिका और सरिता दोनों को अच्छा नहीं लगा। कुछ ही दिनों में सभी राधा के व्यवहार को समझ गए। वो चंद्रिका की कोई परवाह नहीं करती थी और अक्सर उसको डांटती रहती थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। चंद्रिका ने कुछ दिनों तक राधा के करीब जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन राधा ने ऐसा होने नहीं दिया। चंद्रिका एक दिन रोते हुए सरिता से पूछने लगी, दादी, मेरी नई माँ मुझे ठीक से बात क्यों नहीं करती? मुझे वो अच्छी नहीं लगती और मुझे ऐसी माँ थोड़ी चाहिए थी। उसे हमारे घर से निकाल दो, डांटती रहती है, मारती रहती है मुझको। हाँ नहीं तो? ऐसी बात नहीं करती चंद्रिका, देखना एक दिन वो तेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगी, शांत हो जा। सरिता ने उसका मन बहलाने के लिए ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद सरिता की उम्र के चलते तबीयत बहुत खराब हो गई और वो चल बसी। दादी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। उठो ना दादी, उठो ना, माँ चली गई, अब तुम तो मत जाओ मुझे छोड़ के। चंद्रिका रोती रही। उसके बाद अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की गई और कुछ दिन बीत जाने के बाद कृष्णा ने अपने खेत के काम पर जाना शुरू किया। अब घर में सिर्फ चंद्रिका और राधा ही थे। ऐसे में, ए चंद्रिका, सामने आंगन की सफाई कर दे और फिर पानी छिड़क कर वहाँ रंगोली बना देना। चल। क्या आपको लगता है कि मुझे रंगोली बनानी आती होगी? आप मुझे क्यों बोल रही हो माँ? अगर तू बनाएगी तभी तो सीखेगी, करने से सब आ जाता है। अब चंद्रिका से जैसी भी रंगोली बन पड़ी उसने बना दी। राधा को उसके आधे अधूरे काम पर गुस्सा आया। आसपास के लोग भी उस रंगोली को देखकर हंसी उड़ाने लगे। राधा, क्या तुमने बनाई है रंगोली? जल्दबाजी में बना दी क्या? ये सुनकर चंद्रिका बोली, आप हंस क्यों रही हो? वो रंगोली मैंने बनाई है, माँ ने नहीं, इसलिए बनी ऐसी। हे राम, क्या तुम बच्ची से काम करवा रही हो राधा? अगर उसकी अपनी माँ जिंदा होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है, तभी तो करवा रही है इतनी छोटी बच्ची से। राधा ये सुनकर घर के अंदर चली आई। पड़ोसन ने भी टिप्पणी की और वो भी चली गई। माँ, आपको उनकी बातों का बुरा लग रहा है ना? छिड़, वो कुछ नहीं जानते इसलिए ऐसी बातें करते रहते हैं, है ना? हाँ, वो लोग कुछ नहीं जानते। तू आंखें बंद करके यहाँ खड़ी रहे, मैं तेरे लिए खाने के लिए लाती हूँ, बहुत अच्छा कुछ। चंद्रिका मान गई और आंखें बंद करके खुशी से खड़ी हो गई। लेकिन राधा दो बिजली के तार लेकर आई और उसने चंद्रिका को झटका दिया। बेचारी चंद्रिका बुरी तरह घबरा गई। नहीं माँ, नहीं, प्लीज नहीं माँ। लेकिन राधा ने बिजली के तारों को उसके शरीर से अलग नहीं किया। सुन, तुझे घर के सारे काम करने होंगे और अगर तूने किसी को या अपने पापा को इसके बारे में बताया तो मैं ऐसे ही बिजली के झटके देकर तुझे मार डालूंगी। आज समझ में आ गई ना तेरे? बेचारी छोटी सी चंद्रिका
एकदम सन्न हुई खड़ी थी। नहीं माँ, मैं किसी का नहीं बताऊंगी, घर के सारे काम करूंगी, मैं कोई गलती भी नहीं करूंगी। ठीक है, ध्यान रखियो, समझ गई? और राधा वहां से चली गई। तब से आए दिन चंद्रिका राधा की गाली गलौज और मारपीट का शिकार होने लगी और बहुत रोती रहती। चंद्रिका अपनी सौतेली माँ की यातनाएं सहती रहती और किसी को कुछ नहीं बताती थी। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे, क्योंकि उसे घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करने पड़ते थे, इसलिए उसे स्कूल जाने में देरी होने लगी और धीरे धीरे उसका स्कूल जाना भी छूट गया। अगर तुम जिंदा होती माँ तो मैं भी स्कूल जाती और इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता मुझे। वो रो रही थी कि तभी राधा आ गई। ये सारे काम छोड़कर क्या आलाप लगा रखा है, तुझे फिर से चाहिए बिजली का झटका क्या? आ लगा देती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, आ। राधा की आवाज सुनकर चंद्रिका ने जल्दी से अपनी आंखें पोछी और मैंने कपड़े धोने के अलावा सभी काम पूरे कर लिए हैं माँ, मुझे झटका मत देना। और फिर चंद्रिका कपड़े धोने में लग गई। अपनी सौतेली माँ राधा द्वारा हर समय सताए जाने के बाद भी चंद्रिका ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना समय बिताती रही।